नमस्कार, मैं राहुल पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, मैलानी सागर रेल सेक्शन पर कुरैया दुधिया खुर्द के बीच में NOC ना मिलने के कारण वायरिंग का जो कार्य था वो लटका हुआ था, और हाल में ही अभी NOC मिल चुकी है। और आज 28 अगस्त 2023 को जो जंगल के अंदर 1 किलोमीटर हिस्से में वायरिंग का तार लगाने को बचा था वो आज पूरा कर लिया गया है, यानी कि जंगल के अंदर जो वायरिंग का कार्य है वो आज पूरा कर लिया गया है। जंगल से हम आप सभी को इसकी लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, सामने आप सभी को तार यहाँ पर जंगल के अंदर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वीडियो दोस्तों हमें मुनाजिर भाई ने भेजी है, तो मुनाजिर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी अपडेट बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। मुनाजिर भाई की बदौलत से हम आप सभी को बिल्कुल लाइव कवरेज जंगल से दिखा रहे हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 सितंबर 2023 को जो गोरखपुर के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब हैं वो कुरैया से सागर के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेन द्वारा स्पीड ट्रायल कर सकते हैं। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में मैलानी सागर रेल सेक्शन पर ट्रेन संचालन भी शुरू हो सकता है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज तक जितनी भी खबरें निकल के आई हैं वो अफवाह में तब्दील हो गई हैं। तो दोस्तों आप लोग ये न मानिएगा कि मैलानी से सागर के बीच में ट्रेनें जल चलने वाली हैं, जब तक रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप किसी भी खबर को सही ना मानिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो वायरिंग का कार्य है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, और बताया जा रहा है 1 से 2 तारीख के बीच में कुरैया से सागर के बीच में लोको ट्रायल भी करा लिया जाएगा। जैसे जो कुछ भी अपडेट हमको मिलती जाएगी वैसे हम आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट देते जाएंगे। मैलानी सागर के बीच में वायरिंग का कार्य बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाता, सिर्फ कुरैया दुधिया खुर्द के बीच में जो हमारा 1 किलोमीटर का रेल सेक्शन बचा हुआ है इसमें NOC नहीं मिली थी, जिसके कारण जो वायरिंग का कार्य है वो लटक गया था। अभी हाल में ही NOC इसकी मिल गई थी, और आज 28 अगस्त 2023 को सुबह से ही जो हमारे KPTL के कर्मचारी हैं उन्होंने इस जंगल में वायरिंग शुरू की, और आज शाम टाइम 6:30 बजे के आसपास जो वायरिंग का कार्य है वो पूरा कर लिया गया। तो देख सकते हैं बिल्कुल लाइव कवरेज हम आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों कुछ महीने पहले गोरखपुर के महाप्रबंधक जी ने सागर पीलीभीत रूट पर जो अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है उसका इंस्पेक्शन किया था, तो उसमें साफ साफ उन्होंने बताया था कि जब तक आपका सागर पीलीभीत जुड़ नहीं जाता तब तक मैलानी से आगे सागर तक ट्रेनों का संचालन नहीं शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों देखना ये होगा कि क्या PCEE इंस्पेक्शन होने के बाद मैलानी से आगे सागर तक ट्रेनों का विस्तार हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो दोस्तों PCEE इंस्पेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा। उम्मीद है आप सभी को ये छोटी सी अपडेट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।